अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप Zoom एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी Zoom वीडियो कॉल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, और किस तरीके से उसके ऊपर में आप अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, सिंपली आप प्ले स्टोर ओपन कीजिए। इसे ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सर्च बार, सर्च का सर्च आइकन, सिंपली आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए Zoom, Zoom टाइप कीजिए। उसके बाद में आपको नज़र आ जाएगा Zoom क्लाउड मीटिंग्स। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद में आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल का बटन नज़र आ रहा है, सिंपली आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए, ओके कीजिए अगर ओके के लिए पूछता है तो। अभी ये पेंडिंग बता रहा है, उसके बाद में अभी बताएगा डाउनलोडिंग, फिर उसके बाद में इंस्टॉलिंग। अभी ये पेंडिंग है, अभी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, अब इसके बाद में जो है इंस्टॉलिंग स्टार्ट होगा। उसके बाद में इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद में इसे ओपन करना है। डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे बता रहा है इंस्टॉलिंग, अभी ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद में आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप जब आप अपने होम स्क्रीन पर आइएगा तो यहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन नज़र आ जाएंगे, सिंपली आप यहाँ से भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से Zoom एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। जैसे आप Zoom ओपन कीजिएगा, Zoom एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा तो आपको नज़र आएगा वेलकम स्क्रीन, स्टार्ट अ मीटिंग, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ज्वाइन अ मीटिंग, उसके बाद में नज़र आ रहा है साइन अप, उसके बाद में इधर है साइन इन। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अभी साइन अप करना आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक कीजिए और आप साइन अप कर लीजिए। जैसे आप साइन अप पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है फॉर वेरिफिकेशन प्लीज़ कन्फर्म योर डेट ऑफ बर्थ, सिंपली आप डेट ऑफ बर्थ जो आप अपना एंटर कर दीजिए। यहाँ पे ये मैंने टाइप किया, सिंपली आप जो है टाइप करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे मेरा अक्टूबर है तो मैंने अक्टूबर टाइप कर दिया और यहाँ पे 1998 ये मैंने सेट कर दिया। उसके बाद आपको सिंपली सेट आइकन पे, सेट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेट पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पूछेगा ईमेल के लिए, तो सिंपली आप अपना ईमेल एड्रेस जो यहाँ पे एंटर कर दीजिए, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे पूछा है फर्स्ट नेम, तो आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर कर दीजिए, लास्ट नेम जो भी आपका है वो लास्ट नेम आप अपना एंटर कर दीजिए। उसके बाद में आपको सिंपली साइनअप पे क्लिक करना है और साइनअप कर लेना है आपको। जैसे आप साइनअप पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में एक वेरीफिकेशन ईमेल गया होगा, उस वेरीफिकेशन ईमेल को जो है बेसिकली आपको क्लिक करके एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे आप सिंपली ये क्लोज वाले आइकन पे क्लिक करके, क्लोज वाले बटन पे क्लिक करके आप इसे क्लोज कर दीजिए। इसके बाद में आपको करना क्या है, सिंपली जीमेल एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जीमेल एप्लीकेशन जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। जीमेल जैसे ओपन कीजिएगा तो जीमेल में आपको एक मेल आया होगा Zoom की तरफ से, Zoom मीटिंग, Zoom क्लाउड मीटिंग है उसकी तरफ से। अगर यहाँ पे आपका ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आप क्लिक कीजिए और जो भी ईमेल आईडी आपने वहाँ पे एंटर किया उस ईमेल आईडी को सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए आप। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो देखिए आपके पास में एक मेल आया होगा, Zoom प्लीज़ एक्टिवेट योर Zoom अकाउंट, सिंपली आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक्टिवेट अकाउंट, सिंपली आप एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं क्रोम ब्राउज़र चूज़ कर लूँगा, यहाँ से सिंपली मैंने क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक किया। जैसे मैंने इंटर किया तो यहाँ पे मेरा जो नाम है वो बता दिया, लास्ट टाइम जो मैंने इंटर किया था वो बता दिया। अब यहाँ पे पूछेगा पासवर्ड के लिए, तो पासवर्ड आप अपना इंटर कर लीजिए, जो भी आपको पासवर्ड यहाँ पे रखना है। मैं यहाँ पे पासवर्ड जो भी मुझे रखना है वो मैं इंटर कर देता हूँ। इस तरीके से आपने पासवर्ड जो है वो इंटर कर दीजिए, फिर दूसरे में भी आप वही सेम पासवर्ड जो है एंटर कर दीजिए। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना रहा हूँ, उसके लिए मैंने ABCD यानी A से लेकर के Z तो जो भी कैरेक्टर्स है मैंने उसमें से इस्तेमाल किया, फिर स्पेशल कैरेक्टर मैंने इस्तेमाल किया, फिर जो नंबर है उसमें से मैंने इस्तेमाल किया। ये करने के बाद में अभी ये बता रहा है नॉट डज नॉट मैच, बेसिकली मैंने @ जो है ना स्पेशल कैरेक्टर मैंने दो बार इंटर कर दिया है, अभी मैच हो गया। अभी यहाँ पे जो है ये आपको एक कैप्चा है, कैप्चा अगर नहीं आ रहा है तो कैप्चा आने दीजिए, उसका वेट कीजिए या फिर इसको आप रिफ्रेश कर लीजिए। जैसे आप रिफ्रेश कर लीजिएगा तो यहाँ पे आ गया आई एम नॉट अ रोबोट, सिंपली आपको ये फिल करना होगा। तो आपको सिंपली पासवर्ड जो है वहाँ पे फिर से आपको इंटर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है इंटर कर लीजिएगा। यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। उसके बाद में जो बाय डिफॉल्ट इसे सेलेक्ट रहने दीजिए, उसके बाद सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए।
उसके बाद में यहाँ पे बता रहा है इनवाइट कलीग्स, तो फिर उसके बाद में आप अपने कलीग्स को इनवाइट कर सकते हैं आप यहाँ पे ये करके। बट मुझे क्या करना है, मैं सिंपली यहाँ पे स्किप का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, स्किप का बटन, सिंपली स्किप दिस स्टेप, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में जो है आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है, वहाँ पे आप अपना मीटिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया योर पर्सनल मीटिंग यूआरएल, आपका जो पर्सनल मीटिंग यूआरएल है वो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से सिंपली आप ईमेल से डायरेक्टली आप किस तरीके से साइन इन कर सकते हैं या फिर साइन अप कर सकते हैं, यानी नॉर्मल ईमेल। सो उसमें आपने अभी जो आपने देखा उसमें क्या था, ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने एंटर किया, वेरिफिकेशन कोड गया आपने वेरीफाई किया। तो विदाउट वेरिफिकेशन कोड के किस तरीके से, यानी बिना एक्टिवेट किए हुए, आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट ईमेल से जो है एक्सेस दे दीजिए इनको जूम को, और उससे जो है आपका साइन अप हो जाएगा, आपको डबल से एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप क्या कीजिए, जूम एप्लीकेशन ओपन कीजिए। जैसे जूम ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है साइन इन का बटन, सिंपली आप अभी साइन इन पर क्लिक कीजिए। जैसे साइन इन पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा साइन इन विद गूगल, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे साइन इन विद गूगल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जितने भी ईमेल आईडीज़ हैं आप लॉगिन होंगे इस डिवाइस में, वो आपको यहाँ पे शो करने लगेंगे। सिंपली आप क्या कीजिए, वो जो है पर्टिकुलर ईमेल आईडी जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज़ मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे होंगे उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि ये बस आपको जो है वेरिफिकेशन मतलब डेट ऑफ बर्थ है जस्ट वो इंटर करने के लिए बोलेगा आपको, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया, उसके बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। अभी आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो गया, इतना ही करना था आपको। तो अभी आपका अकाउंट क्या है क्रिएट हो गया, आप साइन इन भी हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आखिर किस तरीके से आप अपना जूम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, मैनुअली या फिर साइन इन विद गूगल, यानी मैनुअली जो मैंने बताया कि किस तरीके से ईमेल आईडी और पासवर्ड मैनुअली इंटर करके क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरीके से डायरेक्टली गूगल से साइन इन करके आप नॉर्मली उसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड दिए हुए, सिर्फ आपको ईमेल से लॉगिन करना होगा, दैट्स इट। कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या परेशानी है, क्या डाउट है, उसको मैं जल्द से जल्द रिजोल्व करूंगा। और हाँ, अगर अभी तक के आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और मुझे सोशल नेटवर्क पर फॉलो कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।